सत श्री अकाल सारिआं नूं, तुहाडा सारिआं दा साडे परम सिलाई सिखलाई चैनल ते स्वागत है। अज असीं 4-5 साल बच्चे दी जंपसूट दी कटिंग बारे दसांगे। तुसीं वीडियो नूं ध्यान नाल देखिओ, वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट करके दस्सो वीडियो तुहानूं किवें दी लगी। हुण वीडियो नूं स्टार्ट करदे हां। एक मीटर कपड़ा लिया असीं रेयोन दा, इस दे विच्चों आपां 4-5 साल दे बच्चे दी जंपसूट दी कटिंग करांगे। तो पहला कपड़े नूं असीं इस तरह डबल फोल्ड किया है। उस तो बाद विच जिन्नी सानूं इहदी बॉडी दी चौड़ाई चाहीदी है उसके मुताबिक असीं इस नूं फोल्ड कर लांगे। सब तो पहला आपां इहदी बॉडी कटांगे। साढ़े 10 चौड़ाई लै के असीं इस तरह ही पूरा लंबा पीस जिहड़ा है पहला कटिंग कर लवांगे। ये अपने कोल कपड़ा जिहड़ा असीं हुण ये 4 फोल्ड हो गया साडे कोल। देखो बॉडी की लंबाई जिहड़ी आपां 10 इंच रखांगे तैयार, आपां 11 इंच दे उपर निशान लगावांगे। 11 इंच लंबाई लई, चौड़ाई इहदी 10.5 इंच लई। आपां इस ते निशान लगावांगे बॉडी दे उपर। पहला सब तो पहला तीरा जिहड़ा आपां 10 इंच रखांगे बच्चे का, 5 इंच उपर आपां निशान लगावांगे। 5.5 इंच आपां मोढ़ा रखांगे। इस तरह आपां लाइन जिहड़ी आ मिला लांगे। इस तो बाद विच आपां इत्थों छाती का निशान लगावांगे बच्चे दी। ये निशान जिहड़ा आपां हल्का जिहा अंदर नूं लैके जावांगे। फिर आपां ये निशान जिहड़ा इस तरह जिहड़ा ये मिला दांगे, क्योंकि बच्चे दी जिहड़ी छाती जिहड़ी आ बहुत घट हुंदी आ। आपां ये 5.25 दे उपर निशान जिहड़ा साडा छाती दा आएगा, इस करके आपां थोड़ा जिहा हल्का जिहा जिहड़ा निशान जिहड़ा आपां जिहड़ा ये अंदर नूं करके इस तरह लाइन लगा ली है। इस दे नाल साडी जिहड़ी ये शेप जिहड़ी आ ये बन जाएगी। इस तरह आपां ये छाती दा निशान लगा लिया। इत्थों आपां कमर दा निशान लगावांगे। कमर दा निशान जिहड़ा आपां 7.5 उपर लगावांगे, क्योंकि आपां इस दे विच जंप सूट दी जिहड़ी कटिंग जिहड़ी आ इसदी थोड़ी जिही आपां लूजिंग जिहड़ी आ ज़्यादा दवांगे। इस करके आपां इहनूं इतों आप 7.5 लै लिया। इस तरह ही अपना निशान जोड़े आपस में इन्हों के मिला देंगे। ये साडा कटिंग का निशान हो जाएगा। चंप सूट की जी टोटल लंबाई जी है 35 इंच तैयार रखांगे। 35 इंच लंबाई तैयार है कि उस तो बाद असी फोल्डिंग वास्ते सिलाई वास्ते एक्सट्रा 3 इंच रखिया। ये पूरा अपना 28 इंच आ गया। 28 इंच के उपर इसकी बॉटम की कटिंग करांगे। इस दे उपर जिहड़ा साडा कमर का निशान इहनू इस दे नाल इस तरह मैच करके इस निशान तो उपरों आपां आसन का निशान लगावांगे। 9 इंच आसन का निशान लगावांगे। 2 इंच इहदे विच आपां इस तरह 2 इंच की गुलाई देवांगे। इसका पौंचा जिहड़ा 9 इंच आपां पौंचा रखांगे। दा इस निशान तो इस निशान तक आपां इहनूं सिद्धा जिहड़ा इस तरह अपना जंप सूट जिहड़ा ए तैयार हो जाएगा। हुण आपां मशीन दे उपर चलदे तुहानूं इहदी स्टिचिंग बारे दसदे हां। सब तो पहला गले दे निशान लगावांगे। 2 इंच आपां इहदी चौड़ाई रखांगे, 2 इंच इहदी लंबाई रखांगे। 2 इंच चौड़ाई, 2 इंच लंबाई। इसकी जिहड़ी गुलाई जिहड़ी है गुलाई दे देंगे। जिहड़ा बैक पार्ट है उहदी आपां 1 इंच जां 1.5 इंच ही रखांगे। इहदी फ्रंट पार्ट नूं कट्टांगे, बैक पल्ले नूं नहीं कट्टना। सब तो पहलां आपां फ्रंट पल्ले नूं कट्टांगे। इस तो बाद विच इहनूं सेंटर दे विचों कट देवांगे। इस तरह ही आपां बैक पल्ले की जिहड़ी कटाई जिहड़ी पा देवांगे। दोनों पल्लियां की जिहड़ी साडी कटाई जिहड़ी हो चुकी। ये साडे बैक पल्ला, फ्रंट वाले पीस जिहड़े आपां अलग अलग कर दिते ने। इन्हां दे उपर बटन पट्टी लगेगी। सब तो पहला आपां बटन पट्टी लगावांगे। इस वास्ते असीं ये 2 पट्टियां कट्टियां होईयां।
एक एक साइड लगेगी, एक दूसरी साइड लगेगी। जिस तरह आप बटन पट्टी बनाने उस तरह आप पहला बटन पट्टी बनावांगे। सिलाई जड़ी है लगा ली आप, हूँ आप इस अटैच करांगे। जिस तरह ये आप उल्टी साइड तो सिलाई जड़ी लानी शुरू करांगे। आप इस तरह रख के ये साडा कपड़ा जड़ा है ये बेच ना आवे। इस तरह आप जिस तरह सिलाई जड़ी लगाने इस तरह सिलाई जड़ी लगानी शुरू करके पूरी जी सिलाई जी आप लगा देंगे। इस तरह जी सिलाई जी इसनों भी तुम इदा अपने नहों के नाल इस तरह दबा के सिलाई जी बिल्कुल इनू बिठा लेना। उस तो बाद कपड़ा अंदर नू रख के इसके उपर जी सिलाई जी है किनारे उपर आप सीधी सीधी जी सिलाई जी लगा देंगे। सिलाई जी लग चुकी है, बाकी फालतू कपड़ा जो आप कटिंग कर देंगे इन इस तरह गुलाई के जी ये शेप जी है देवे। साड़ी जी सिलाई जी लग गई, इस तो बाद कच्ची जी सिलाई अपनी ये उधेड़ देंगे। ये साड़ी जी इस तरह आ जाएगी। इस तो बाद नाप के अपना ये उपर एक कच्ची सिलाई जी लगा देंगे, जिस दे जी बॉडी जी पीस जड़े आ सैट हो जाएंगे। इस तरह आप कच्ची सिलाई लगावे। हल्का बैक वाला पल्ला जड़ा इन्होंने मोडे जड़े आ मोडे की सिलाई जी ये लगा देंगे। दूसरे मोडे की जी सिलाई जी वह भी लगा लेंगे। दोनों कंधों की सिलाई जी आप लगा ली है। हूँ इसके उपर आप एक रेप पट्टी कटिंग करांगे। ये अपने को रेप पट्टी आ, आप रेप पट्टी जी ये उपर लगावांगे। रेप पट्टी पहले सिलाई कर लवेंगे, उस तो बाद उपर लगा देवे। कटिंग कर देंगे फालतू कपड़े की। रेप लगानी जी आप इतों स्टार्ट करांगे। अपा रेप न जदों भी लगावे अपा रेप बिल्कुल किनारे तो नहीं रखांगे, अपा इन्नी अगे वधा के फिर आप सिलाई लगानी शुरू करांगे। हड्डी इन्नी अगे वाधू नहीं चाहिए। ये हल्के हल्के छोटे छोटे जड़े कट लगा लेंगे। ये ध्यान रहे ताकि सिलाई जी ना कट्टी जाए, सिलाई का खास करके ध्यान रखना। इस तो बाद इस कपड़े नू जड़ा आप रखा ही वध इसनू इस तरह फोल्ड करांगे अंदर नू। इतों इस तरह दबा के ये उपर सिलाई लगा देंगे। गले की जड़ी रेप जड़ी है आप लगा ली है। हूँ आप साइडां की फिटिंग करांगे। दूसरी साइड की फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडां की फिटिंग जड़ी है कर ली। हूँ आप इसकी प्लाजो की सिलाई लगावांगे। सब तो पहला आसना की सिलाई जड़ी है दोनों साइड जड़ी लगावांगे। इन्हां दे पौंचियां दी सिलाई जड़ी है ये भी फोल्डिंग कर लांगे पौंचियां दी। इस तरह ही दूसरे पौंचे दी फोल्डिंग जड़ी कर लांगे। दोनों पौंचियां दी सिलाई लग गई, हुण आपां इसदी फिटिंग कर देंगे। सत्त इंच पौंचा रख के इस तरह सिलाई जड़ी है सत्त इंच के उपर आप सिलाई लगानी शुरू करांगे।
तरह दूसरी साइड की जी फिटिंग जी कर देवे। बाकी फालतू कपड़े की कटिंग कर देंगे। इन्हों साइडों के उपर छोटे छोटे दो कट लगावे दोनों साइड। अपना आसन का जोड़ा सेंटर का निशान जोड़ा देखो, आसन दोनों जोड़े आपस में मिला के दोनों साइडों के उपर कट लगा के इतों सिलाई जी आप लगानी शुरू करा। दोनों साइडों के उपर जो आप कट जड़े लगा ले, ये जेडे कट लगे ने यह जी अपनी फिटिंग की सिलाई जी आप एक कट के नाल मैच करके फिर उत्थे सिलाई जी लगानी शुरू करांगे। इस तरह ये चीज़ का तुम सेंटर बना लेना, यह चीज़ जी साड़ी सेंटर दे विच आवे बिल्कुल अपने सिलाई जी कट के उपर बिल्कुल मैच कर गए। आप इतों ही सिलाई लगानी जी शुरू कर देंगे। सिलाई जी है चारों तरफ जी साड़ी लग चुकी है। इसके उपर आप एक पट्टी कट्टी है, अपने कोल एक पट्टी कट्टी। आप पट्टी जी आप इस जगह के उपर जी लगावे, आप चारों तरफे पट्टी जी घुमा के इतने तक ही इतों स्टार्ट करा, इतें ही खत्म करा। सब तो पहले इन आप इस तरह अंदर इस तरह एक सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके, उस तो बाद लगानी शुरू करांगे। एक सिलाई लगा लें उपर, सूट नू असीं इस तरह रखांगे। कपड़े नू आपां इस तरह रखिया, आपां इस ते हुण पट्टी जड़ी लगानी शुरू करांगे। ये देखो पट्टी जड़ी आपां सिलाई लगाई ही, अपना इस तरह पट्टी नू थोड़ा फोल्ड करांगे बिल्कुल इसते किनारे किनारे उपर जी सिलाई जी लगावांगे। ये साडा सेंटर है, सेंटर के बिचों ही पट्टी जी लगानी जी है। ये साडे आसन की सिलाई है, ये अपना पट्टी जी लगी है वो इतों सिलाई जी लगानी शुरू करांगे। सिलाई जी तुसी आराम नाल लगानी है, जिस दे नाल साडा कपड़ा जड़ा नीचे जड़ा ना दबिया जाए। हल्का हल्का कपड़ा फोल्ड करते हुए पट्टी का सिलाई जी लगानी शुरू कर देंगे। इस तरह ही साड़ी पट्टी जी इतने खत्म हो गई है। इतों आप हल्का जहा कपड़ा जड़ा वा वध लै के जिन्ना आप ये फोल्ड करना उन्ना लै के बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। एक सिलाई जी साड़ी लग गई, इस तरह ही आप दूसरी सिलाई जी है इस साइड नू कपड़ा दबा के ये सिलाई जी लगा देंगे। पट्टी जी लग चुकी है, हुण आप इसके अंदर एक डोरी तैयार की है। ये डोरी जी आप सेफ्टी पिन की मदद नाल ये डोरी जी है चारों तरफ जी घुमा के लैके आवेंगे। देखो डोरी जी है साड़ी, डोरी जी साड़ी जी इस पै गई है। इनू आप इस तरह खिंच के हल्का हल्का दोनों तरफों इस तरह अपनी फिटिंग जी है इस तरह आएगी। इस डोरी के अगे आप टैसल वगैरह कुछ भी लगा देंगे,
इसके अगे टैसल बना के ला देंगे। हम आप इसकी बाजू जी तैयार करा, इस उपर बाजू अटैच करा। ये अपने बाजू ने सब तो पहले आप इसकी फोल्डिंग करके इसकी फिटिंग कर देंगे, उस तो बाद अटैच करा। बाजूआं की फिटिंग जी कर ली, हूँ आप इस बाजू जड़े अटैच कर देवे। एक बाजू जी सा लग गई है, इस तरह ही आप दूसरी बाजू जी ये अटैच कर लेंगे। दोनों बाजूआं की सिलाई जी सा बहुत वधिया तरीके लग गई है। जंप सूट साडा बिल्कुल रेडी है, बहुत वधिया फिटिंग आई, पूरा रेडी हो गया। देखो टैसल वगैरह ये उपर आप लगाते, टैसल बनाने की वीडियो असी अपलोड की है, उसका लिंक तुहानू नीचे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं तुहानू वीडियो पसंद आए, कि वीडियो में लाइक शेयर तो कमेंट करके दसो वीडियो तुहानू किवें दी लगी। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताजो हर आने वाली वीडियो तक सब तो पहला पहुंच सके। धन्यवाद।